मोदी चाहता 2047 तक हिंदुस्तान का नाम भी उन 37 देशों में आना चाहिए, 37 देशों में। और मोदी ने कहा तो हो गया, मोदी ने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। मोदी ने कहा था 3 तलाक हटाऊंगा, हटा दिया। मोदी ने कहा था राम मंदिर बनाऊंगा, बनने जा रहे तुम्हारी आंखों के सामने। 500 साल से हम वहां पूजा नहीं कर पा रहे थे, वहां तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। कहते आजाद हो गए 1947 में, भाई पूरे आजाद थोड़ा हो गए जब हम आजादी से अपनी पूजा ही नहीं कर सकते, तो किस बात की आजादी भाई? असली आजादी तो अब 22 जनवरी को मिलेगी, जब राम लल्ला वहां पर विराजेंगे और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। क्या हमें आजादी का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या इस देश की 80% जनता जो राम में आस्था रखती है, उसके राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर जन मंदिर नहीं होना चाहिए था? क्या वह मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी? बड़े संघर्ष करें। मैं भी 2 बार गया, पहली बार तो गिरफ्तार कर लिया था लखनऊ में, उन्नाव जेल में रखा 15 दिन तक। बानवे में फिर गया, फिर जब ये ढांचा टूटा मैं वहीं था, अपनी आंखों से देखा। भाइयों मैं उसका दृष्टा हूं, इतिहास भी हूं। और अब 34 साल बाद फिर जाएंगे, 34 साल हो गए इस बात को, 34 साल बाद फिर जाएंगे। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी तब अपना सिर झुकाने जाएंगे। किसने दिलाई? नरेंद्र मोदी ने। पहले वाले तो मूर्खों ने कोर्ट में लिख के दे दिया था कि राम हुआ ही नहीं, काल्पनिक है राम। कांग्रेस पार्टी ने लिख के दे दिया था कोर्ट में, कपिल सिब्बल ने, कि राम तो कहानी है। अरे राम हमारे रोम रोम में बसता है, तुम्हारे लिए कहानी होगी, हमारे लिए वो जीवन है। जीवन है हमारे लिए। तो मोदी ने कहा तो कैसे किया ये मोदी जाने, हमें नहीं पता। और शांतिपूर्वक मंदिर बन गया, और जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है इतना विशाल मंदिर वो बनाया जा रहा है, और 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मोदी ने अगर कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाऊंगा, लोगों की सारी समस्याओं तब तक खत्म कर दूंगा, तो मोदी ने कहा तो होगा, हमें तो भरोसा है। आपको भी है ना भरोसा? मोदी ने कहा तो सबको भरोसा। तो ये विकसित भारत मोदी सरकार की गारंटी लिखा हुआ है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये सारे गांव में जा रही है। हिंदुस्तान के 6 लाख गांव है, 2 लाख गांव है, 2 लाख गांव में जा रही। हरियाणा के भी 6,062 गांव है, 6,062 गांव में जा रही, शहरों में भी जा रही। ये इसलिए जा रही कि भाई जो मैंने योजनाएं लोगों के लिए घोषित की है, उनका लाभ लेने से अगर कोई वंचित रह गया है तो वो भी लाभ ले ले।